today I'm shooting with most gorgeous girl Urvashi Rautela for wedding affair cover shoot, upcoming cover shoot. And the theme is like complete white. It's like a Roman based ka theme hai. And beautifully bright light pe pura shoot ho raha hai. And I'm really happy Urvashi ke saath mujhe kaam karne ka mauka mila. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. जो भी मेरे कैमरे के सामने है मेरे लिए सेलिब्रिटी है. बट सेलिब्रिटी होती है तो मीडिया इंटरेक्शन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, हेयर एंड मेकअप, लुक्स, कंटेंट क्या है मैगजीन का क्या है, तो सो मेनी थिंग्स इज इन्वॉल्व है. तो थोड़ा सा नॉर्मल से ये डिफरेंट है. जैसे कोई स्टबर्न सेलिब्रिटी आ जाते हैं तो उसको आप काबू में कैसे लाते हैं, या फिर उनकी ज़्यादा चलती है आप अपनी बात आगे रखते हैं, क्या कैसे मैनेज कर पाते हैं? वो टाइम पे तो सिंपली मैं साइलेंट रहता हूँ और अपना काम कर लेता हूँ. अच्छा, अब ये भी बताइए कि ये जो आप फोटोग्राफी करते हैं इसमें इफेक्ट्स का कितना रोल होता है या फिर आप नेचुरल रखते हैं फोटो? ज़्यादातर मेरी कोशिश यही रहती है कि 90% हम लोग नेचुरली प्ले करें ब्यूटीफुल नेचुरल पिक्चर्स एंड 10% जो भी पोस्ट प्रोडक्शन. उर्वशी के साथ और कितनी बातें आपने पूछी और बताई उस बारे में बताया? काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है हमारा शूट का. एंड शी इज़ रियली अमेजिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा. जानना ये भी चाहेंगे कि इतनी बेहतरीन फोटोग्राफी आपकी जो भी क्लिक करते हैं वो अपने आप में एक मास्टरपीस हो जाता है, तो पहले से होमवर्क करके आते हैं या फिर ऑन द स्पॉट आप इससे चीज़ें क्रिएट करना पसंद करते हैं? ऑफकोर्स होमवर्क. हाँ, बिफोर शूट एक दिन पूरा प्लानिंग होता है, क्या कंसेप्ट है, क्या एंगल है, क्या लाइटिंग है, क्या शूट है, क्या आउटफिट है, कौन डिजाइनर है, क्या हेयर एंड मेकअप होगा, सो मेनी थिंग्स. ऑफकोर्स होमवर्क इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स बिफोर शूट. इधर जी जाना आपसे ये भी चाहेंगे कि इतनी सारी जैसे कोई भी फोटोशूट आप कैसा रहा हो उसमें आपने बहुत सारे शॉट्स लिए हो, लेकिन आपने ये सोचा होगा ये शॉट अभी मुझे मचा रहा था वो मुझे मिल नहीं पाया, ऐसा मतलब हमेशा होता है या कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपके साथ? जनरली ये होता है कि आज का शूट तो अच्छा ही हुआ बट क्यूरियोसिटी होता है कि कल जो शूट करूँगा इनसे बेटर होगा. तो कितना बिलीव कर पाते हैं आप जो भी जिस तरह तरह के इंसान होते हैं तो उसमें अपनी क्रिएटिविटी कितनी डाल पाते हैं होमवर्क के अलावा? ऑफ कोर्स क्रिएटिविटी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फोटोग्राफी. तो पूरा कोशिश रहता है कि मैं अपना 200% दूँ हर एक ईच एंड एवरी थिंग में. एंड जो मेरी टीम भी है वो भी काफ़ी सपोर्टिव है, हेयर मेकअप स्टाइलिंग, तो सब अपना इनपुट देते हैं. वेडिंग को कुछ मैं मॉडर्न टच पे शूट करूँगा नेक्स्ट टाइम. कुछ रेफरेंसेस जो आपने पहले से कहीं लिए हो या फिर आपने टोटली एक नया रेफरेंस? तो मेरे पास नहीं है बट मेरे माइंड में कुछ है जो अभी मैं कन्विंस नहीं कर सकता बट आई विल डेफिनेटली डू. चलिए, थैंक यू सो मच सर, और आपने मेरे इतना कीमती समय दिया. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फोटोशूट एंड विश यू लक. थैंक यू. ओम नमः शिवाय.